बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट कैची एंड ब्यूटीफुल लोगो विद इन 5 मिनट। जस्ट ओपन टू योर ब्राउज एंड राइट इट फ्लैट आइकन। क्लिक द फर्स्ट लिंक। देखिए, इस वेबसाइट पर बेशुमार आइकन्स होते हैं जो कि बहुत ही कैची और अच्छे होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करके अपने लोगों को बेहतरीन बना सकते हैं। ट्राई टू सर्च फाइंड द रिलेवेंट आइकन रिलेटेड टू योर नीच। फॉर एग्जांपल, मेरी नीच है फूड से रिलेटेड। देखिए, फूड से रिलेटेड बहुत सारे आइकन हमें मिल गए। नाउ जस्ट डाउनलोड इट। आई विल डाउनलोड दिस आइकन। PNG पर जाकर, इट्स ऑल्सो प्रीमियम बट वी विल यूज फ्री डाउनलोड। एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, तो जस्ट कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। नाउ ओपन कैनवा। Canva is a best platform, easy to use. यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, वीडियोस भी बनती हैं, प्रेजेंटेशन, लोगो, इंस्टा पोस्ट, फ्लायर, रिज्यूम, बहुत सारी चीज़ें ईजी टू मेक हैं। बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बनता है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। लोगो पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दो तरीके से लोगो क्रिएट करना बताऊंगी। पहले टेम्पलेट के ज़रिए और दूसरा हम खुद डिज़ाइन करेंगे ब्लैंक पेपर पे। पहले हम टेम्पलेट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम अपनी नीच लिखेंगे, जो भी आपकी नीच है आप यहाँ लिखेंगे। फूड से रिलेटेड है तो फूड के बेशुमार टेम्पलेट्स हैं, उनमें से कोई भी आप चूज़ कर कर यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड फैशन से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। देखिए, फैशन से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगो आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये टेम्पलेट यूज करती हूँ। नाउ चेंज द अल्फाबेट, जो आप चाहते हैं उसको चेंज कीजिए, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि नाम एच से आता है उनके बिजनेस का, तो मैं एच लिखूंगी। देन आई विल चेंज दिस हेडिंग। मैंने तैयार कर लिया। अगर मैं बैकग्राउंड को कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं जस्ट बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और यहाँ कलर में जाइए और जो आप चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लीजिए। सेकंड वेज, ब्लैंक पेपर लेंगे, एलिमेंट में जाएंगे और एक
सर्कल ले लेंगे। सर्कल के साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इसी कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं ब्लैक से पिंक और ये ब्लैक। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगी वो आइकन जो मैंने फ्लैट आइकन से लिया था। यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं आइकन को। ये देखिए ये आइकन अपलोड हो गया। आई विल अप्लाई। अब मुझे यहाँ टैक्स लिखना है तो मैं जाऊंगी ये टैक्स पे। यहाँ से प्रीसेट्स होते हैं बने बनाए हेडिंग्स। यहाँ से मैं कोई भी हेडिंग इंपोर्ट कर सकती हूँ पर इस वक्त मैं अपनी हेडिंग लूंगी। इसके कलर वाइट कर देंगे ताकि इस पे देखें। अब इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और अपनी बिजनेस का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस का नेम लिखा पार्लर। यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं सेंटर में जहाँ पे भी मैंने लिया। एक और बार मैं टैक्स पे गई। सेकेंड टाइम मैंने फिर एक हेडिंग ली। नाउ मैं लिखूंगी अब इस फूड को मैं अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ जिसमें मैं चाहूँ इसको चेंज कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फॉर्म अच्छा लगता है। मैं टैक्स कलर पर जाऊँगी और इसे वही कलर दूँगी जो यहाँ मेरी आइकन का कलर है। ये मेरे आइकन के कलर सारे हैं, इन्हीं में से मैं फूड्स को कलर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर क्योंकि मेरे आइकन में ही कलर आ रहा है। ये कलर मैंने दे दिया। पार्टी पर गई यहाँ से इसका भी फॉर्म चेंज किया। सेंटर किया और इसे मैं कलर दूंगी येलो। इस आइकन को छोटा बड़ा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये बन गया एक कैची सा ब्यूटीफुल लोगो। अब हम अगर इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल में देखना चाहते हैं तो हम स्टाइल पर जाएंगे और इसको अलग अलग स्टाइल में ट्राई करेंगे कि हमारा कौन सा लोग स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें से जो स्टाइल आपको पसंद हो उसको अप्लाई कीजिए और बेहतरीन लोगो बना दीजिए विद इन 5 मिनट।
अब इसको डाउनलोड हम ऐसे करेंगे कि शेयर में जाएंगे, डाउनलोड यहाँ से करेंगे, पीएनजी फॉर्म सजेस्टेड है तो हम पीएनजी फॉर्म में ही इसको डाउनलोड करेंगे। अगर हम इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मेरा तो यहीं से रिमूव हो जाएगा क्योंकि मेरा कैनवा प्रो है। अगर आपका कैनवा प्रो नहीं है तो एक और वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यहां से मैं अपने जो भी लोगो मैं बनाऊंगी उसको यहां से मैं डाउनलोड कर लूँगी, वो मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अब मैं जाऊँगी रिमूव बीजी, ये ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिना पे किए बहुत आसानी के साथ वन क्लिक में अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेज में आप जाएंगे और अपलोड करेंगे इमेज वो जो मैंने यहाँ से डाउनलोड की है। इमेज अपलोड करने के बाद इसको बस अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।